बेखौफ बदमाशों ने गुरुवार की देर रात पूरे परिवार को 2 घंटे तक बंधक बनाकर डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। विरोध करने पर पिस्तौल के बट बैट एवं लाठी डंडे से परिवार के सभी सदस्यों की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान घर के लोग रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन बदमाशों ने बच्चों पर भी रहम नहीं किया। यह घटना बीहट नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या 30 इब्राहिमपुर की है, जहां बदमाशों ने सेवानिवृत्त शिक्षिका उर्मिला देवी के घर में घटना को अंजाम दिया है। घर में अगले महीने 2 लड़कियों की होने वाली शादी की तैयारी चल रही थी तथा शुक्रवार को लड़का वाले को भी सभी सामान दिया जाना था। बदमाशों ने इसके लिए रखा गया सभी सामान भी लूट लिया है। डकैती का विरोध करने पर बदमाशों ने घर के सभी सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की। इस घटना में बदमाशों ने 30 लाख से अधिक की संपत्ति लूट ली है। मौके पर से बदमाशों का 2 बाइक बरामद किया गया है। इसके आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि करीब 12 बजे 10 से 1200 शस्त्र नकाबपोश अपराधी उर्मिला देवी के घर में पीछे के रास्ते प्रवेश कर गए और सीसीटीवी का तार काटने के बाद परिवार के सभी लोगों को कब्जे में लेकर गोली चलाने के बाद लूटपाट करना शुरू कर दिया। इस दौरान 4,73,000 नकद के साथ ही सभी अलमीरा में रखे ज्वेलरी के साथ साथ परिवार में मौजूद महिलाओं के शरीर से भी ज्वेलरी खुलवा लिया। बदमाशों ने लड़की की शादी के लिए बनवा कर रखा गया सभी ज्वेलरी समेत 400 ग्राम से अधिक ज्वेलरी लूट लिया है। बदमाशों ने घर के एक एक जगह को खंगाल कर सभी चीज समेट लिया। बदमाशों ने शादी के लिए रखा गया फ्रिज एवं सोफा समेत अन्य सामान ले जाने के लिए गाड़ी भी मंगवाया था, लेकिन इसी बीच कमरे में बंद की गई एक लड़की स्वाति ने गुजरात में रह रहे अपने रिश्तेदार को फोन कर दिया। इसके बाद सायरन बजाते हुए पहुंची पुलिस घर से आगे बढ़कर मुख्य दर्शक बनी रही। सायरन की आवाज सुनकर सभी बदमाश भागने लगे तो परिवार के सदस्यों ने अपनी जान की बाजी लगाकर बदमाशों को खदेड़ना शुरू कर दिया, लेकिन 2 बाइक छोड़कर बदमाश भागने में सफल रहे। बदमाशों की पिटाई से रामाशीष सिंह, उर्मिला देवी, मनीष कुमार, रीना देवी, बबलू कुमार, शुभम राज एवं गोलू कुमार आदि घायल हो गए हैं। इस भीषण डकैती के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि पुलिस की गलत कार्यशैली के कारण अपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। बीहट में ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। इस घटनास्थल पर डीएसपी राजन सिन्हा और कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट चुके हैं। हालांकि डीएसपी राजन सिन्हा की इस बात की जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उन्होंने साफ तौर से बताने से इनकार कर दिया। बहरहाल जो भी हो, जिस तरीके से बेगूसराय में आम लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस का इकबाल समाप्त हो चुका है। बीएनपी न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। ये तो कैमरा वाला लगता है ना, ये छोड़ राव, ये काम कर रहा है, दोस्तर कोई नहीं, एकदम पक्की बुझ। अब मैंने इधर भीतर बाहर गए ना, वो 31 से हुए कनेस फिर किया थी, चाहे कनेस दूर चाहे कना दो सुबह। दो घंटा रोज
सात गो लोग ऊपर चढ़ गए, साढ़े बारह बजे हम खाना खेलिए, बतलिए हमर पत्नी ऊपर हल्ला भेल, पत्नी पहिने दौड़ल ओकरा मुँह दाबि के बैठा देलकै, खुटी बहन ऊपर गेलै चलिए ऊपर उठम बजरी शुरू भए गेल। क्या क्या चीज था? हाँ तब गोली फोड़ के दहशत खाते सब हथियार से लैस था। कितना सात आदमी था? सात आदमी ऊपर था, नीचे और लोग था, दो मोटरसाइकिल पकड़ प्रशासन को दिए, एक हेलमेट पकड़े लड़ पकड़ लिए। जगह तक हम न जा सकलिए, बाहर गेट खोलकै, हमरा बाहर छोड़ते तब तक नहीं चलते। अच्छा अंकल, कितना मतलब कितने की डकैती हुई है और कितने लोगों को मारा है? हमरा बाबू को मार लगे, हमरा मार लगे, बेटा को मार लगे, माय का भबो कुल को मार लगे, यानी कि आठ दस सात आठ आदमी घायल भी है। कितना चोरी हुआ अंकल? कितना समथिंग चोरी? आइए जीतिए, आइए जीतिए, हमरा डेट रहे पैसा दिया जीतिए, 4 लाख रुपया बैंक से मैंने करा का जेवर ललके कुल को, वो जेवर जे जेतर बगड़ो से जेवर ललके। हम देखे अंधेरा में रहू हिनका ता सबसे पहले आया कैमरा, कैमरा को दिया नोच, बोला कैमरा ऑफ कर दे, बस हम बुझे कि मेरा गाड़ी उड़ी के चाबी लेने मेरा जाता है, पहले पागल कर बस पटापट हमको मारने लगा। हम अपना हस्बैंड का कहे हस्बैंड बस वहाँ में एक थारी लड़का ऊपर कन पट्टी में सटा दिया पिस्तौल, वो कुछ नहीं बोल रही थी, मेरी गोतनी आई बड़ी वाली, उन्होंने देखी बस गोतनी ना मेरी आवाज़ सुनी ना, चिल्लाने लगे, चिल्लाते थे हे जी बस दौड़ के ना, वो बोली कि इसे देखने आवे छी लकिया की भेल, मेरी गोतनी आई बस ना उसको भी सटा दी, बस कुछ नहीं बोली। मेरा भैंसुर आया बस हमको जो मार रहा था ना, तो भैंसुर ने तीनों पकड़ ली, बोले कि उसको मार देते, बस हम कहे कुछ नहीं, हमारा होते भाजी यहाँ जहाँ गिर जेबे हमारा कुछ नहीं होते। सबके साथ था, सब अंगूठी पहना हुआ था, लोहा वाला निकला हुआ था, वो वाला लेकर, और कैसे उसको विश्वास था कि रूम कैमरा है अथी है, सब कुछ मेरा ही लूट गया, सब पर गिर गया, पूरा सामान घर का लूट लिया, सब कुछ लूट लिया और पीट, हाँ पीट दिया, जो नई चाबी दे रही थी सबसे पहले तो हाँ सबको सटा दिया, सबका मोबाइल। कितने लोगों को पीटा है? सबको, यहाँ मेरे ससुर को, मेरे भैंसुर, मेरे हस्बैंड को, मेरा जात को, मम्मी को, सबको मारा, सब दोनों सब बच्चा को बैठे बैठ मारा, बच्चों को भी मारा, सबको मारा, सब जेवर जेवर भी लूट लिया, चाबी जो गोदरेज के नहीं दे रहे उसके बाद तो मारा। घर में? घर में करीब करीब 8 गो था, 2 गो पिस्तौल सटाए हुए था मनीष को, आज 6 गो घुस के सब घर का कुंडी लगा दिया, सब छिटकी लगा के सोया हुआ था, हम जगे थे, मेरा बड़का बेटा जगा हुआ था, ऊपर में जब उसकी माँ को मारने लगा ना तो लक्की भुल्ली चिल्लाने लगी तो हम सोचे कि बिलाह चला गया कि सांप चला गया, बस वहाँ ऊपर चले गए, धाय से ऊपर गए कि धाय से हमने कान से बाली छीन लिया, गला से चैन छीन लिया, उसके गला से चैन छीन लिया, कान से वाली छीन लिया, पारों के कान से छीन लिया, गोर से पायल, हाथ का चारों इसका सब नकाब पहने था क्या कि ऐसे था? सब काला गमछी पट्टी बंधे हुए था, एक मास्टर उसमें माइंड मास्टर था, लंबा जैसा गोरा जैसा काला कपड़ा पहने हुए, सबको पीटी मारा पीटा, बंधक बना लिया सबको, सबके साथ मार मर्दाना को पुष्ट मार मारा, तीन आपको भी मारा, हमको एक बैट दिया, हम जो बैट उसका पकड़ लिए पिस्टल के बैट से एक बैट इसमें दे दिया, इसमें शीशा सटा। कितना मतलब मामा कितना संपत्ति चोरी हुआ होगा? संपत्ति 4 गो बेटा सिकरी था, एक मेरा सिकरी था, एक मेरे पुतोह का सिकरी था, एक लड़का के लिए सिकरी बनाए थे, 8 का अंगूठी बनाए थे, एक बेटा को शादी में सिकरी दिया था वो सिकरी था, और पोती के लिए अंगूठी टीका नोट सब चीज हम बना लिए। आज मतलब आज शकुन तिलक लेकर जाते आप लोग? हाँ, और रुपया कुटुम को फोन कर दिए, बबलू का तबीयत खराब हो गया, राम लखन बाबू को बोल दिए कि आप जाइए 4 लाख रुपया दे के हमारा जान बड़ी करवा दीजिएगा, कुटुम कहता है 12 लाख, 4 लाख 10 लाख में बात कर दीजिए, आप जाइएगा तो 1 लाख छोड़ देगा तो लड़का के लिए खतरा होगा, तो जाता राम लखन बाबू, सारा सामान ले लिया। उसके बाद फर्नीचर जो था वो भी गाड़ी वाला को फोन किया,
कोई सिटियार है यहाँ का, उसको फोन किया, टोटल इलेक्ट्रिकल सामान सोफा देखिए। अच्छा अच्छा देख लेंगे, हाँ बोलिए। सब सामान कह रहा था गाड़ी लेके आओ लोड करके चलो, तब गेट खोलवाया, बहू से बड़ी बहू को बुला के लाया, एक बेट मारा, तब इधर से दे दिया यहाँ का चाबी दे दिया मेरे रूम का। मेरा रूम तो खुला ही था, मिट केस में रुपया था, वो रुपया लिया, उसको संतुष्टि हो गया, तब ऊपर गया। यानी कि 30-40 लाख रुपया से अधिक सामान, अधिक सामान गया, 40 भर सोना था, चांदी का 10-10 भर का, 2 गो इतना बड़ा बड़ा प्लेट था, 2 गो कटोरी था 5-5 भर का, 4 गो मछली था एक जगह। ये सब क्या चीज के लिए रखे थे? तिलक पोती को देने के लिए, लड़का लड़की को देने, तिलक तिलक आजे जाता, आज आज जाता पैसा देने के लिए, ये सब जाता बाद में, लड़का छुट्टी में आता तब न केमिस्ट था, वो आया नहीं था, तिलक होता तो सब जाता, सब सामान तैयार है, सब फरवरी में शादी होना था लड़का का, दादी डेथ कर गई, जिसके चलते दिन बढ़ गया, मार्च क्लोजिंग में लड़का को छुट्टी नहीं दिया, बोला कि बैसाख में हमको नहीं धरता है, बैसाख नहीं। यानी सबके सबके साथ मारपीट किया ना? हाँ हाँ। क्या नाम हुआ मंटी आपका जी? आपका नाम? मैं उर्मिला, रिटायर्ड टीचर हूँ, कुमारी उर्मिला मेरा नाम है, रिटायर्ड टीचर हूँ। और कितने बजे की घटना है, कितने लोग था आया था? 10 लोग। हाँ हाँ, क्या हुआ था? मतलब पूरा एकदम हथियार के साथ सब था। आपको आपको क्यों मारा? आप विरोध किए थे क्या? क्या चीज से आपको मारा? अच्छा, गोली भी फायर किया था। कितना संपत्ति की चोरी होगा? 20 लाख से अधिक? कितने बजे रात की घटना है? आज क्या जाना, तिलक जाना था क्या, शगुन करके पैसा जाना क्या? क्या चीज़ फलदान?